भारत ने हज यात्रियों को तकलीफ मुक्त यात्रा की सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित यातायात सुविधाओं की प्रदान की है। इसके लिए देश ने पुनः और पुनः मुद्दों के साथ मक्का की यात्रा कर रहे भारतीय हज यात्रियों की सहायता करने के लिए भारतीय हज मिशन के प्रयासों का एक झलक साझा की। वह ट्वीट करते हुए बताया कि भारतीय सरकार ने अपने यात्रियों के लिए अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की है, जिनमें आवेदन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, यातायात और आवास सुविधाओं की सुधार और यात्रियों के लिए उपलब्ध उड़ानों की संख्या को बढ़ाना शामिल है। हफीज ने इस बात की सराहना की कि भारतीय हज मिशन द्वारा प्रदान की जाने वाली बस सेवाएं अजीजिया में अब तक की सबसे अच्छी यात्रा व्यवस्था है। वे मीडिया के माध्यम से संगठन कर्मचारियों के सहयोग सहित प्रदान की गई सुविधाओं का उपयोग करते हुए हज यात्रियों की तस्वीरें भी साझा की। शनिवार को सऊदी अरबिया के भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान ने कंसल हज मोहम्मद जलील के साथ मक्का में भारतीय हज यात्रियों का स्वागत किया और जाना कि यात्रियों को व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। रियाद की भारतीय दूतावास ने सूचित किया कि यह संगठनकर्ता दो ने कई शाखा उपचारालयों, कार्यालयों और हज यात्रियों के भवनों का भी दौरा किया। जून में केरल के कारीपुर में स्थित कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली महिलाओं के लिए हज उड़ान उड़ी। इस उड़ान को केरल के संघर्ष मामलों के लिए, राज्य के मामलों के लिए, राष्ट्रीय मामलों के मामले में राज्य मामलों के राज्य मंत्री जॉन बरला ने शुरू किया। इसमें 145 महिला हज यात्री और 6 महिला केरू शामिल थे। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण लम्हा था, जिसमें यात्रियों के साथ ही विमान के पायलट और क्रू भी महिलाएं थी। साथ ही 7 जून को कश्मीर से सऊदी अरब के लिए हज 2023 यात्रियों की पहली उड़ान भी उड़ी। जम्मू कश्मीर हज समिति के कार्यकारी अधिकारी शुजात अहमद कुरैशी ने मीडिया को बताया कि 10 साल बाद पहली बार इस वर्ष हज यात्रियों को सीधे श्रीनगर से जेद्दा में उतराया जाएगा।